एक कैपेसिटेंस कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने जो दो प्लेट लिया है, मान लिया ये दोनों प्लेट इनिशियली जो है ये अनचार्ज प्लेट है, और ऐसा भी मान लिया मैंने कि पॉजिटिव चार्ज जो है अब अनचार्ज है, तो अनचार्ज कहने का मतलब प्लेट वन पे जो आपका प्लेट, मान लो कि ये प्लेट वन है, इसको मैं प्लेट वन कह रहा हूँ, इसको प्लेट टू कह रहा हूँ, ठीक है। अभी दोनों इनिशियली दोनों अनचार्ज हैं, और ऐसा मैं मान रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज जो है ट्रांसफर हो रहा है प्लेट टू से प्लेट वन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है प्लेट टू से प्लेट वन की तरफ, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो ये ऐसा होता है कि जिस तरह से एक इंसान खाना खाता है, खाना खाने में आपके सामने अगर बहुत सारा खाना एक साथ दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा एक टाइम में, मतलब पूरा के कम्प्लीटली उसको ख़त्म कर दोगे, आप थोड़े थोड़े करके उसको खाओगे। तो कैपेसिटर के चार्ज के साथ भी सेम फंक्शन होता है, ऐसा नहीं कि आप इस पे पूरा चार्ज एक साथ दे दोगे, पूरा चार्ज एक साथ आप इस पे नहीं दे सकते, वो लेगा ही नहीं, वो रिजेक्ट कर देता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, आप चार्ज जो है छोटा छोटा चार्ज आप डी क्यू, मान लो एक समय में आपने छोटा सा चार्ज इस पे डी क्यू डैश जो है एक प्लस चार्ज कहा जाए तो, कि पॉजिटिव चार्ज आपने डी क्यू डैश ट्रांसफर करना शुरू किया, जब इस पे ट्रांसफर करोगे पहले प्लेट टू से प्लेट वन पे, तो पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर अगर वन पे हो रहा है तो ये क्या होगा, ये पहला वाला प्लेट जो होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता चला गया, मान लो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज होता चला गया, और दूसरा वाला प्लेट जो होगा आपका वो उसी वे में निगेटिव अमाउंट से चार्ज होता जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ निगेटिव चार्ज बचेगा, है ना, इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा, दूसरा वाला प्लेट जो है उसके पास नेगेटिव रह जाएगा। तो चार्ज ट्रांसफर के ड्यूरेशन में अगर डी क्यू डैश चार्ज आपने दिया, तो इस पे डी क्यू डैश जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे क्या हो गया, दूसरे वाले पे क्या हो गया, दूसरे वाले पे यही डी क्यू जो है ये नेगेटिव में रह जाएगा, क्योंकि जितना चार्ज इसने पॉजिटिव दिया उतना नेगेटिव रह गया। तो एक समय मैं मानता हूं कि इस पे चार्ज पहली वाली प्लेट पे चार्ज आ गया होगा आपका क्यू डैश, तो दूसरे वाले पे चार्ज आपका कितना रहा होगा, माइनस क्यू डैश रहा होगा। जैसे जैसे धीरे धीरे चार्ज प्लेट टू से प्लेट वन पे जाता जाएगा, उस तरह से इसकी मूवमेंट होगी। तो एक समय में यहाँ पे मान लो कि इसके बीच का पोटेंशियल जो रहा होगा वो वी डैश रहा होगा, तो वी डैश इक्वल टू आप क्या लिखोगे, चूंकि ट्रांसफर चार्ज का कितना हुआ, क्यू डैश बाय सी, जो फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू क्यू बाय सी से, इस तरह से आप लिख सकते हो। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जबकि ये प्लेट जो है आपका फर्स्ट प्लेट कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो गया और सेकेंड वाला कंप्लीटली निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तब उस समय में ये डी क्यू का मामला नहीं रहेगा, क्योंकि छोटा सा चार्ज नहीं, अब कंप्लीटली चार्ज जा चुका है, तो आप इसको प्लेट वन पे चार्ज कर सकते हो कि ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब कंप्लीटली इस पे क्यू चार्ज आ गया, और उतने ही अमाउंट का कंप्लीटली माइनस क्यू चार्ज प्लेट टू पे रह जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे, तो अब ये कंप्लीटली चार्ज हो चुका है क्योंकि प्लेट टू कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज जो दे दिया है प्लेट वन को दे चुका है, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे ई से दिखा दिया है। अगर डी क्यू चार्ज, डी क्यू पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है प्लेट टू से प्लेट वन के लिए, तो ऐसे केस में जो वर्कडन होगा वो डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू के कितने के इक्वल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो डेवलप हुई थी जैसे ट्रांसफर हुआ था, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुई थी वो हमारी हुई थी वी डैश की, जिसको मैंने क्यू डैश बाय सी लिखा था। तो ये वी डैश जो होगा, दिस वन यू कैन राइट दिस वन वी डैश इंटू डी क्यू, एंड वी डैश को आपने देखा ऊपर में, अभी क्यू डैश बाय सी लिखा था मैंने, तो दिस इज क्यू डैश बाय सी इंटू डी क्यू। अब बात यहाँ पे इस डायग्राम को देख के कि भाई अच्छा ठीक है, अब तो डी क्यू और डी क्यू करके आपने पूरा चार्ज दे दिया और इस पे इसको पूरा चार्ज कर दिया, कम्प्लीटली चार्ज कर दिया प्लस क्यू से, जिसके कारण प्लेट टू जो है कम्प्लीटली निगेटिव चार्ज हो गया। तो टोटल वर्कडन क्या हुआ होगा, अगर इतने अमाउंट का चार्ज प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज अगर आपके प्लेट वन पे आ गया, तो टोटल वर्कडन कितना रहा होगा, तो टोटल वर्कडन के लिए अगर मैं बताऊं तो टोटल यहां पे लिख दो, टोटल वर्क डन
इन ट्रांसफरिंग चार्ज। प्लस क्यू फ्रॉम प्लेट टू टू प्लेट वन, तो प्लेट टू टू प्लेट वन इस पे ट्रांसफर होने के लिए तो आप लिख सकते हो डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू ये इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन किससे आया होगा, डी डब्ल्यू से आया होगा। डी डब्ल्यू मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अभी आपने देखा वहां पे डी डब्ल्यू कहने का मतलब आप कह सकते हो ये देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू किसके इक्वल है, ये जिसके इक्वल है इसको लिख दो आप यहाँ पे Q डैश बाय C इंटू डी क्यू, तो Q डैश बाय C इंटू डी क्यू और इंटीग्रेशन इस यहाँ पे आप करने जा रहे हो कि कहाँ से कहाँ तक की इंटीग्रेशन होगी। तो चार्ज जो लिया है आपने जीरो से लेके स्टार्ट जीरो से किया था, क्योंकि जिस समय आपने पहला चार्ज यहाँ पे लेके आ रहे थे उस समय इसमें कोई वर्कडन नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये अनचार्ज था, तो लेकिन आप लास्ट कहां तक आपने चार्ज किया इसको, तो प्लस क्यू चार्ज तक आपने चार्ज किया है, तो ये इसलिए लिमिट जो ली जाएगी जीरो से लेके क्यू तक की लिमिट ली जाएगी। अब इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो आपको अच्छे से पता है ये जो इंटीग्रेशन होगा वन बाय सी इसका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर, क्यू है तो क्यू डैश स्क्वायर अपॉन टू, ये इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट लेने की जरूरत है जो लिमिट आपकी है जीरो से लेके क्यू तक की, तो अल्टीमेटली जो वर्क डन आपके पास मिलेगी लिमिट पुट करने के बाद W इक्वल टू वन बाय टू, टू को वन बाय टू को भी बाहर कर दो वन बाय टू और Q स्क्वायर बाय C, तो ये आ जाएगा नेट वर्क डन। और आपको मैंने बताया भी था यही वर्क डन होगा जो स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में एज ए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। वर्क डन को ये जो वर्क डन है इसको आप U के फॉर्म में लिख सकते हो, U इक्वल टू हो गया वन बाय टू Q स्क्वायर अपॉन C, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, इसको बॉक्स में ले लेते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि ये एक पहला फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको नंबर वन, इसको एक फॉर्मूला नंबर वन यूज कर लेते हैं। और अगर आप Q इक्वल टू, जैसे आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, तो अगर आपने इसमें U की जगह पे आप इस्तेमाल करोगे U इक्वल टू वन बाय टू, ठीक है, Q की जगह पे C V इस्तेमाल करते हो तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में C, और C और C कैंसिल हो रहा है, तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला, जो पहला फार्मूला था चार्ज और कैपेसिटर के फॉर्म में, यहाँ पे फार्मूला जो है कैपेसिटर और पोटेंशियल के फॉर्म में सी वी स्क्वायर बाय टू या हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये दूसरा फार्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें यूज करना है अपने तरीके से कि आपके पास अगर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दी हुई है तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दी हुई है तो ये फॉर्मूला यूज करो। एक और फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, तीसरा फॉर्मूला, जैसे आपने देखा यहाँ पे ये Q इक्वल टू सी वी है, तो C इक्वल टू कितना होगा, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, राइट, क्यू अपॉन वी। तो अब मैं इस फॉर्मूले में U पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर और C की जगह पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, देखो C इक्वल टू क्यू बाय वी, तो Q अपॉन वी, इससे एक Q और एक Q कैंसिल हो जाएगा आपका और ये V ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा नेक्स्ट, तीसरा फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के लिए, हाफ Q इंटू वी, ये फॉर्मूला, एक तीसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन थ्री, ये तीनों इक्वेशन के हिसाब से आप जो है कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जैसा मैंने बताया कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट इस तीन फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है इस पर बेस्ड है और डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। जब भी बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है, चार्ज इस केस में कॉन्स्टेंट रहेगा, चार्ज इस केस में कांस्टेंट रहेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा आपके पास, टोटल एनर्जी वो फॉर्मूला हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी, जैसे मैंने फॉर्मूला यूज भी किया था क्यू स्क्वायर बाय टू सी। लेकिन अगर सीरीज में आपने मान लो बहुत सारे कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा है तो चार्ज तो कॉन्स्टेंट है, तो क्यू स्क्वायर और टू भी कांस्टेंट है, इसको भी आप छोड़ दो,
तो आपके पास सीधा आ जाएगा 1/C1 पहला कैपेसिटर, अगर दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है तो 1/C2, और तीसरा कर रखा है तो C3, मतलब एट सो ऑन जितने भी कैपेसिटर आपने कनेक्ट कर रखे हैं उस तरह से आप सबको आप यहाँ पे सीरीज में इस तरह से कनेक्ट करके ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। और अगर आपने इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए अगर आपको देखना है कि चार्ज एनर्जी कितनी हो रही है, तो आप पहले कैपेसिटर के लिए लेना चाहो तो इसको ऐसा लिख लो Q²/2C1 पहले कैपेसिटर की एनर्जी, दूसरे के लिए आप लेना चाहो तो Q²/2C2 एंड देन Q²/2C3 एंड सो ऑन, इस तरह से पूरे एनर्जी के लिए। इसका मतलब कहने का मतलब ये यू जो टोटल एनर्जी है सीरीज के केस में, ये हो जाएगा एनर्जी फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी फॉर सेकंड एंड एनर्जी फॉर थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन, इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाता है। इसको भी बॉक्स में ले लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आपने चार्ज को कांस्टेंट रखा था, यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रखना है पोटेंशियल को, ध्यान रखना है पोटेंशियल इस केस में आप कांस्टेंट रखोगे V=constant। और जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ½CV² का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि जिसमें V हो, जिस फॉर्मूले में V हो, तो टोटल एनर्जी जो यहाँ पे आएगी आपके पास, दिस वन टोटल एनर्जी जो कैपेसिटर की होगी, इसको आप U से लिखोगे, U=½CV². अब V कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे V²/2 तो बाहर ले लो, आप 2 तो कांस्टेंट होता ही है, उसके लिए कोई सोचना नहीं है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट क्या करोगे, C1+C2+C3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आप अगर इंडिविजुअल जैसे हर एक कैपेसिटर की एनर्जी जो पहले कॉम्बिनेशन में होती है, पहले कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्ट ऐड ही होता है वो तो पता ही है, तो ये हो जाएगा ½C1V²+ ½C2V² + ½C3V² एंड सो ऑन, तो इस तरह से आप ले सकते हो। तो इसको भी अल्टीमेटली आप उसी वे में आप दिखा सकते हो कि U=U1+U2+U3+ एंड सो ऑन, इस वे में आप इसको लेके दिखा सकते हो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो जाता है किसमें, पैरेलल के केस में।